ऊपर वाले ने चाहा तो कांग्रेस ही आएगी पांचों राज्य में। पांचों राज्य में कांग्रेस राजस्थान में बहुमत से गवर्नमेंट बनाएगी, एमपी में बहुमत से बनाएगी, और आप छत्तीसगढ़ ले ली, छत्तीसगढ़ तो बीजेपी भूल ही जाए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तो भूल ही जाए, उनके लिए वही बेहतर है। अरे अच्छे दिन कहाँ गए आप बताइए हमें, कहाँ अच्छे दिन आ गए? गरीब मर रहा है सब रोड पे, इनके तो बहुत अच्छे दिन है, आपके अच्छे दिन नहीं है। कोई अच्छे दिन नहीं भाई, जो बुरे दिन थे वही सही है। वो ये जुमला बोल कर आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, हमें नहीं चाहिए भाई मोदी सरकार। अरे सब आप सामने लाल किला है, लाल किला गिरवी रखा पड़ा है, गिरवी रखा हुआ है, किसको रखा रेल है, किसको रखा, जो गवर्नमेंट है उस पर रखा है, और जो बाहर के लोग हैं उन्हें, अडानी अंबानी जैसा अडानी की कंपनी ऐसी वो कंपनी है जिसको लाल किला गिरवी रख रखा है, रेलवे स्टेशन गिरवी है, एयरपोर्ट अडानी के हैं, गैस बनवाने चले जाओ सीएनजी पंप पे, आप सीएनजी पंप अडानी के हैं, और क्या क्या गिरवी रखवाओगे आप, हमें भी गिरवी रखवाओगे आप। एमपी में वोट परसेंटेज के हिसाब से बेस पे कह रहा हूँ मैं तो, वहाँ वोट परसेंटेज जो बीजेपी का प्रदर्शन कर रही है बीजेपी, वहाँ काम कुछ नहीं हुआ वो मुझे मालूम है। अब चुनाव आ गए थे तो ये घोषणाएं भी तभी हुई हैं, ये घोषणाएं तभी हुई है तब चुनाव नजदीक आ गया, उससे पहले इन्होंने 400 रुपये का सिलेंडर दिया नहीं है बीजेपी वालों ने। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम दिल्ली के लाल किले में मौजूद हैं, पांच राज्य में चुनाव हुए यानी वोटिंग हुए हैं और उसका नतीजा आना बाकी है, जिसको लेकर के जनता में काफी काफी उत्साह है कि क्या लगता है, सब अपने अपने जो पार्टी के जो समर्थक हैं वो अपना अपना दावा कर रहे हैं कि पांच राज्य में किसकी सरकार बन रही है। वही कांग्रेस के समर्थक जो है कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि पांच राज्य में कांग्रेस की सरकार बन रही है। वही भाजपा समर्थक जो है अपने पार्टी जिसके वो समर्थक उसके लिए दावा कर रहे हैं कि वो पांच राज्य में भाजपा सरकार बना रही है। वही जनता समझाने की कोशिश करेंगे कि ये पांच राज्य के जो नतीजे आने हैं क्या लगता है उनको, किस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है, तो क्या कहेंगे पांच राज्य में जो अभी चुनाव हुए हैं, क्या लगता है पांच राज्य में जो चुनाव है, एग्जिट पोल आ गया है, एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि चार जगह जो कांग्रेस आगे है, मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस को पीछे दिखाया जा रहा है। अरे कांग्रेस का भाई बहुत अच्छा काम है, इन 3-4 सालों में कांग्रेस ने जो ग्रोथ की है, जो राहुल गांधी ने अचीव किया है, ये उसी का रिजल्ट है। और देख लेना आप, ऊपर वाले ने चाहा तो कांग्रेस ही आएगी पांचों राज्य में। लेकिन एग्जिट पोल में तो मिजोरम जो के बारे में बताया जा रहा है कि जो ऑलरेडी जो वहाँ की लोकल पार्टी है वही आ रही है। भाई लोकल पार्टी कांग्रेस उसके साथ गठबंधन कर सकती है, जो वहाँ की लोकल पार्टी है उसके साथ गठबंधन कर सकती है तो गवर्नमेंट बन जाएगी। आपका कहना है कि मिजोरम में अगर वहाँ की जो लोकल पार्टी है MNF, अगर उसको ज्यादा मतलब बहुमत नहीं मिलता है तो कांग्रेस के साथ अलायंस के साथ अलायंस कर इस बिना पे जो है पांचों राज्य में नहीं, इस बिना पे क्यों होगा? कांग्रेस राजस्थान में बहुमत से गवर्नमेंट बनाएगी, MP में बहुमत से बनाएगी, और आप छत्तीसगढ़ ले ली, छत्तीसगढ़ तो बीजेपी भूल ही जाए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तो भूल ही जाए, उनके लिए वही बेहतर है। लेकिन मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में MP में थोड़ा चांस हो सकता है बीजेपी को, जो परसेंटेज है वोट का, जो परसेंटेज है बीजेपी का वो अच्छा है, वहाँ अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है पांच राज्य में किसको किसकी सरकार बनेगी? भाई कांग्रेस की बनेगी भाई, पांच राज्य में भाजपा दावा कर रही है कि पांच राज्य में बनेगी। भाई शुरू से उसकी सरकार अच्छी लगी है तो उसकी बननी चाहिए। किसकी सरकार अच्छी? कांग्रेस की सरकार अच्छी है। कहा जा रहा मोदी जी के शासन में जो काफी विकास हुआ, 9 साल में मिसाल कहा जा रहा है। भाई मोदी जी ने क्या काम अच्छा करवाया ये बता दीजिए मुझे, क्या नहीं करवाया बताइए मुझे, ये बता दो आप क्या काम अच्छा करवाया उन्होंने। वही तो बताया, नहीं करवाया, क्या नहीं करवाया आपको, क्या लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल में अच्छा काम नहीं हुआ? जब से मोदी जी की सरकार आई है महंगाई बढ़ गई है, गरीबों को खाना मिल रहा है, टाइम से नहीं मिल रहा, बेटाइम मिल रहा है, बताओ क्या अच्छा करवा दिया मोदी जी ने। भाजपा समर्थक भाजपा वाले का या जनता का कहना है कि जो हर रिक्शा वाले भी जो है ना 10-20 हज़ार का मोबाइल रख रहे हैं आजकल, वो रख रहे हैं, वो आपकी बात ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, महंगाई हो रही है। अब तुम ये देखो मोदी जी ने क्या क्या चीज़ गिरवी नहीं रखी, पूरी दिल्ली पूरा हिंदुस्तान गिरवी रख रखा है, प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट फेयरपोर्ट सब चीज़ गिरवी रख दी। आपको भी लगता है कि गिरवी रख दिया है? अरे सब आप सामने लाल किला है, लाल किला गिरवी रखा पड़ा है, गिरवी रखा हुआ है, किसको रखा रेल है, किसको रखा, जो गवर्नमेंट है उस पर रखा है, और जो बाहर के लोग हैं उन्हें, अडानी अंबानी जैसा अडानी की कंपनी ऐसी वो कंपनी है जिसको लाल किला गिरवी रख रखा है, रेलवे स्टेशन गिरवी है, एयरपोर्ट अडानी के हैं, गैस बनवाने चले जाओ सीएनजी पंप पे, आप सीएनजी पंप अडानी के हैं, और क्या क्या गिरवी रखवाओगे आप, हमें भी गिरवी रखवाओगे आप। तो क्या लगता है अच्छा पांच राज्य में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी बीजेपी
देखिए पांच राज्य में कह रहे बीजेपी, पांच राज्यों में नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम में कांग्रेस की हो सकती है। अच्छा, मिजोरम में कांग्रेस की हो सकती है। तेलंगाना, तेलंगाना में लड़ाई है, बीआरएस के साथ काफी बड़ा टक्कर है। जी जी, लेकिन राजस्थान, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दो जगह पे हट पा रही है, दो जगह से। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, कांग्रेस लड़ाई है, वहाँ पे लड़ाई है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इनका कहना है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। मैं बीजेपी का जो देख रहा हूँ ना, बीजेपी का जीतने का जो है एमपी में, तो मुझे लग रहा है उनका वोट परसेंटेज जो है उनका अच्छा है वहाँ। अच्छा, बीजेपी एमपी में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वहाँ कांटे की टक्कर हो सकती है, वहाँ कांटे की टक्कर हो सकती है। लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जो हमारा यह है, क्या बोलते हैं, तेलंगाना, यहाँ तो तेलंगाना में कांग्रेस भी और बीजेपी, यहाँ तो दोनों ही नहीं आने की, यहाँ तो बीआरएस जो पार्टी है वो पहले से वही जीतेगी। आप कह रहे कांग्रेस को आना चाहिए, कांग्रेस आ रही है, ऐसा आपको क्यों लगता है? थोड़ा इधर घूम करके। कांग्रेस देखो, कांग्रेस के अच्छे काम है, अभी चार पाँच साल में जो काम किए हैं ना कांग्रेस ने। जी, मोदी जी के पाँच साल भी पूरे होने वाले हैं, 24 में अब मोदी जी भी जाने वाले हैं, 10 साल, सॉरी। अब ये जो सेकंड जो हमारा टर्म था, ये तो पूरा होने वाला है मोदी जी का, तो कांग्रेस ही अब केंद्र में राज्य करेगी। अच्छे दिन नहीं आए? अरे अच्छे दिन कहाँ आ गए, आप बताइए हमें कहाँ अच्छे दिन आ गए। गरीब मर रहा है सब रोड पे, इनके तो बहुत अच्छे दिन है, आपके अच्छे दिन नहीं है। कोई अच्छे दिन नहीं है भाई, जो बुरे दिन थे वही सही है। ये जुमला बोल कर आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, हमें नहीं चाहिए भाई मोदी सरकार। शासन में जो है महंगाई बहुत है, रियलिटी को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, डेवलप जो है नहीं देख रहे हैं, केवल आंख बंद करके बोल रहे हैं कि महंगाई है, डेवलप नहीं हुआ है 10 सालों। आप इनसे पूछ लीजिए महंगाई ये बता रहे हैं, बस का किराया देख लीजिए। अंकल जी नहीं, मैं बिल्कुल सुनूंगा आपकी भी बात। आप इनसे, आप बस में चले जाइए, रोडवेज में चले जाइए, वॉल्वो में चले जाइए, आप किराया देख लीजिए कितना होता है, पहले किराया कितना था बसों का, और अब देख लीजिए, और तेल का देख लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, दाल ले लीजिए, चने ले लीजिए, चावल ले लीजिए, कितनी महंगाई है। आप आटा ले लीजिए, आपको इसी दिन पे लग रहा है कि 13-12 रुपए आटा मिलता था, 13-12 रुपए आटा मिलता था, और आज आप देख लीजिए उठा के 35 रुपए किलो आटा है, महंगाई नहीं है। सुनो, ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज एक किसान जो है जो 8-10 रुपए किलो गेहूँ बेचता था, आज वो 19-20 रुपए में धान बेच रहा है, अब 20-25 रुपए किलो गेहूँ बेच रहा है वहाँ किसान, हमारा भाई जो पैदा कर रहा है। तो महंगाई, हमको आपको महंगाई हो, शहर में जो रह रहे हैं उनके लिए दिक्कतें पैदा हो रही है। 8 रुपए गेहूँ जो किसान बेचता था, पहले बेचता था, इनका कहने का अभी कैसे बेच रहा है? अभी 25-26 रुपए किलो, कितना गुना हुआ? अब आप जोड़िए, हमारा 2.5 गुना हो गया। अब हमारा गणित, और आपका कहना है कि 13 रुपए आटा था, अभी 40 रुपए, 40 रुपए की 35-36 इतना ही मिल रहा है लगभग, जो है सा महंगाई का जो है, महंगाई का मुद्दा है हर जगह। अब सिलेंडर ले लीजिए आप, अभी सिलेंडर पे शिवराज सिंह ने कहा, कभी कोई सी स्कीम चला रहे हैं, लाडली बहना 500-400 रुपए का सिलेंडर दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये फ्री की रेवड़ी नहीं बांट रहे, और क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले? दूसरों को तो, केजरीवाल को तो ये कह रहे थे कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, अब क्यों बांट रहे हैं फ्री की रेवड़ी? कांग्रेस वाले लगातार कह रहे हैं कि अभी जो चुनाव 5 राज्य में जो हो रहे हैं, तो उसको जो है चुनाव जीतने के लिए जो चुनावी एजेंडा छोड़ रहे भाजपा, कि 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, 450 रुपए में देंगे, केंद्र में तो भाजपा की सरकार है, वो क्यों नहीं दे रही पूरे केंद्र में? बिल्कुल, ये पॉइंट क्या, उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है ना। सुनिए बेटा, सीएनजी अपने यहाँ से, ये भी बाहर से आती है, कहाँ से आती है? अडानी। अब आगे हमको आइडिया नहीं, अब लेवल में रहिए, अगर विकास होगा तो महंगाई बढ़ना है, सब कुछ मिला के ये है। अब उसके बाद हम निंदा करें या आप निंदा करें, कहीं पे अच्छा, कहीं पे अच्छाइयाँ हैं तो कहीं पे बुराइयाँ हैं। तो क्या अच्छाई है, क्या बताइए? अच्छाइयों में जैसे भैया ने बोला कि 40-35 रुपए किलो हम आटा खरीद रहे हैं, लेकिन वहीं पे तुम्हारा भाई जो है 20-25 रुपए किलो गेहूँ बेच रहा है, हम यहाँ पे 35-40 रुपए किलो चावल खरीद रहे हैं, वहीं पे 19-20 रुपए किलो धान बेच रहा है, पैदा किसान ही कर रहा है, हम आप नहीं पता कर रहे हैं। तो आपको लगता है, क्या लगता है, दो ही राज्य में भाजपा आ रही है? तीन राज्य में लड़ाई
तीन जगह पे है, लेकिन दो राज्य में श्योर है, श्योर है, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान श्योर लग रहा है आपको? अब 100% नहीं कहेंगे, इसलिए बाबा को प्रणाम करने आता हूँ, लेकिन उम्मीद पूरी है, क्योंकि उधर के लोग भी मिलते हैं, मध्य प्रदेश के भी लोग, जो लाडली बहना जो स्कीम शिवराज ने, यह समीकरण इलेक्शन पीरियड में ही चलता है और सफल होगा। क्या आपको भी लगता है कितना, पांच राज्य में कितने राज्य में जो कांग्रेस आ रही है? अरे कांग्रेस जो है, कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मिजोरम और ये आपका एमपी में टक्कर हो सकती है बीजेपी कांग्रेस की, बस, और कहीं बीजेपी सुपड़ा साफ है। मानते हैं कि वहां जो भाजपा अच्छा काम किए? कहां पर? एमपी में। एमपी में वोट परसेंटेज के हिसाब से बेस पे कह रहा हूँ मैं, तो वहाँ वोट परसेंटेज जो बीजेपी का प्रदर्शन कर रही है बीजेपी, वहाँ काम कुछ नहीं हुआ, वो मुझे मालूम है। अब चुनाव आ गए थे तो ये घोषणाएं भी तभी हुई हैं, ये घोषणाएं तभी हुई है तब चुनाव नजदीक आ गया, उससे पहले इन्होंने 400 रुपए का सिलेंडर दिया नहीं है बीजेपी वालों ने। क्या लगता है? अच्छा, पांच राज्य में तो चुनाव हुए, इधर कोई काम नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया, काम गिनाओ, काम गिनाओ, काम पांच काम गिनाओ बीजेपी के, आराम से पांच काम। सबसे पहले पांच काम कुछ हजारों काम गिनाएंगे। क्या लगता है राज्य में कौन हमारा? पांच राज्य में बीजेपी आएगा भाई, पांच राज्य में बीजेपी आ रही है, बीजेपी आएगा। भूले हाँ जी, हम बोल रहे हैं, सारा दुनिया घूमते रहते हैं हम, हाँ सारी दुनिया घूमते। अभी आपने देखा कि जो जनता जो है कह रही है कि जो पांच राज्य में, किसी का कहना है कि पांच राज्य में भाजपा जो है सरकार बना रही है, भाजपा आ रही है, वही जो कुछ लोगों का कहना है कि दो में तो भाजपा का श्योर है, वही कांग्रेस के जो कार्य समर्थक है वो कह रहे लगातार के चार राज्य में जो है कांग्रेस 100% आ रही है, मिजोरम में भी हो सकता है कि अलायंस में जो वहाँ की जो MNF पार्टी है उसके साथ जो मिल करके सरकार बना सकती है, इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।